एक चीज़ वर्क एफिशिएंसी से ही रिलेटेड है. दिस इज समथिंग विच आई डू वंस अ वीक. आई वांटेड टू शेयर विद यू. आपका जो मेन बैग है ना, जैसे मैं बैकपैक्स यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे एक या दो बैकपैक्स हैं जिसमें मेरा सामान रहता है, चार्जर्स, मोबाइल फ़ोन्स, पेन्स, डायरीज, पेपर्स, कुछ वाउचर्स, बिल्स, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, पेन नाइफ, एक छोटी सी पॉकेट नाइफ रहती है, कभी कभी जो भी रिलेटेड स्टफ होता है उसको. एक बार ना पूरे बैग को खाली कीजिए, पूरे बैग को, बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर, कोई बड़ा वर्क स्टेशन है जैसे, उसके ऊपर पूरा उसको खाली कीजिए. मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बैग के वास्तु पे, बैग की क्लीनिंग पे, बैग को हवा दिलाइए, बैग को ज़रा 10 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए, बैग को थोड़ा सा अंदर डियो, परफ्यूम कुछ डाल दीजिए, और जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा टैप करके, झाड़ के, उनकी सबकी वाइब्रेशंस बैलेंस आउट करके, और फिर वापस बैग में रख दीजिए. आप देखेंगे, अब मुझे, मैं, आप सोचेंगे मैं सुपरस्टिशियस हूँ मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, लेकिन पता है चीज़ों का वास्तु बैलेंस होता है, बैग का वास्तु ठीक होता है, और वो स्पेस हीलिंग होती है, स्पेस अच्छी हो जाती है. तो हफ्ते में एक बार, या 10 दिन में एक बार, या 15 दिन में एक बार, लेकिन करिए जरूर. जो भी आपका वर्किंग बैग है, लैपटॉप बैग है, या जो भी आपका बैग, उसको पूरा खाली कीजिए, उसको अच्छी तरह झाड़िए, उसको ज़रा 10 मिनट धूप दिखाइए, है ना, धूप की किरणें उसमें पड़ने दीजिए, उसको हवा वाली जगह पे रखिए, लाइट में रखिए उसको, फिर उसको अंदर लेके आइए, उसमें डियो, परफ्यूम कुछ डालिए, अच्छी तरह कपड़े से उसको अच्छी तरह अंदर से भी साफ़ कीजिए, और फिर उसके अंदर सामान साफ करके, टैप करके, उसकी एनर्जी टैप करके, एक एक स्टफ़ की एनर्जी टैप करके उसके अंदर वापस डालिए, और फिर उसको जिप आउट कर दीजिए. आप करके देखिए, अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. दिस इज़ अ वे ऑफ स्पेस हीलिंग, दिस इज़ अ वे ऑफ इम्प्रूविंग द वास्तु ऑफ योर, द थिंग्स दैट यू कैरी विद यू द होल डे, है ना. सो दिस इज़ कंसर्न विद डीप वास्तु नॉलेज. सो आप करके देखिए इस चीज़ को.